हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस कर्नर। तो आजिर डिस्कसन आम स्टार्ट करवा। आज हेले डे थ्री क्वेश्चन आंसर आम डिस्कस करवा। तो फास्ट आम डिस्कस करते डेमोग्राफी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, देन बिहेवियरल एंड सोशल इश्यूर, चाइल्ड लेबर, जेंडर इनइक्वालिटी, एडल्ट लिटरेसी, इतनी आम डिस्कस करते। तापरे रेस्ट पार्ट जमी रिहैबिलिटेशन ऑफ हैंडीकैप एंड अदर डिप्राइव्ड सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, ड्रग अब्यूज, ये सब क्वेश्चन को आम डिस्कस करवा। तो ये देखो फास्ट लिखाई, व्हाट आर द इफोर्ट्स पुट बाय गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा टू पुट वल्नरेबल चिल्ड्रेन, 2016 रो क्वेश्चन। परे आम सिक्वेंशियली देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन गुड़ाक। तो फास्ट आम देखिबा आमर जो क्वेश्चन अच्छी वल्नरेबल चिल्ड्रेन मानक प्रोटेक्ट करने कौन सबू गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा तार इफोर्ट रखी। ओके, तो फास्ट देख, नेशनल पॉलिसी ऑन चाइल्ड लेबर गोटे अच्छी ओडिशा रो 1987। तो इट फोकसेस मोर ऑन रिहैबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रेन ओनली इन हजार्डस ऑक्यूपेशन। तापरे चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट रूल, द रूल प्रोवाइड फॉर ब्रॉड एंड स्पेसिफिक फ्रेमवर्क फॉर प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन, रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हु आर नॉट परफॉर्मिंग एनी टास्क ड्यूरिंग स्कूल आवर एंड बिटवीन 7 to 8 PM, 8 AM, 7 PM टू 8 AM, मान राति से काम करेंगे ना। देन राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2019, क्वेश्चन कौन पचारि, हाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मुझे बोधे भूल लिखी क्वेश्चन इतने गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा जो लिखाई इटा बोधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो से करेक्शन करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखी। ओके, तो से इंडिया रो जो प्रोविजन अच्छी नेशनल पॉलिसी ऑन चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट रूल ये सब जिनस लिखी। तापर राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन आक्ट 2009, मैंडेटरी फ्री एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन एज टू 16 टू 14 ईयर, देन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 14, 15, 21, 21 ए, 23, 24, 39, 39 ए एटसेट्रा। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रे किसी पार्ट भी तुम्हें मेंशन कर पार, आर्टिकल 14 कौन कौन 15 कौन कौन ताको डायग्राम करके भी ऐड कर पार जदि से 10 मार्क क्वेश्चन अच्छी। ओके, तापरे पेंसिल, द गवर्नमेंट हैज लॉन्च ए डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म बाय पेंसिल डॉट जीओवी डॉट इन टू एनश्योर इफेक्टिव एनफोर्समेंट ऑफ चाइल्ड लेबर लॉज एंड चाइल्ड लेबर। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आउ स्टेट मैंने मिसिकी गोटे मानने बेसिकली कोलाबोरेशन रे कौन करछन्ती ना, एनजीओ को सपोर्ट करछन्ती, बचपन बचाओ आंदोलन, चाइल्ड फंड, तलाश। ओके, देन पॉलिसी लाइक मिड डे मील, स्टाइपेंड पर मंथ, दीज आर एल्सो हेल्पफुल रिगार्डिंग वल्नरेबल चिल्ड्रेन। तो यही सब जिनस लिखाई, तो तुम्हें स्टार्टिंग डायरेक्टली लिखाई जो इफोर्ट सब लिखिदेज डायरेक्टली, जेहेतु एटा जो 10 मार्क क्वेश्चन से तुम इंट्रोडक्शन दे कि लिख केमती आम जो स्टाटस तुम मेनसन करवल्नरेबुल चिल्ड्रेन मानक नहीं किसी स्टाटस भी आड करपर। तापरे एग्जामिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इफोर्ट फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ द पर्सन विथ डिजेबिलिटी एंड एल्डरली। तो पर्सन विथ डिजेबिलिटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी पर्सन तुम जाच, एल्डरली पर्सन अलग। तो ये जो दुईटा कैटेगरी पर्सन इंडिया रो कौन रिहैबिलिटेशन जो इफोर्ट्स अच्छी तुमको आंसर लिखा पड़ो। तो एज पर द सेंसस 2011 डिफरेंटली एबल पॉपुलेशन इन इंडिया इज एति 2.6, 26.8 मिलियन, इन परसेंटेज टर्म दिस स्टैंड एट 2.21%। तो ये जमी लिख लुमें से लिख। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इफोर्ट्स फॉर रिहैबिलिटेशन, तो फास्ट लिखाई सेक्शन 33 ऑफ द पर्सन विथ डिजेबिलिटी पीडब्ल्यू एक्ट 1995 कौन कहूँ ना, 3% ऑफ रिजर्वेशन फॉर पर्सन विथ डिजेबिलिटी इन आइडेंटिफाइड पोस्ट इन गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट। देन गवर्नमेंट महात्मा गांधी एम जी नरेगा ग्यारंटीज एम्प्लॉयमेंट टू रूरल हाउस होल्ड अडल्ट इंक्लूडिंग पीडब्ल्यू डी। देन दीन दयाल डिजेबिलिटी रिहैबिलिटेशन स्कीम व्हिच प्रोवाइड्स फिनेंशियल असिस्टेंस थ्रो एनजीओ फॉर वेरियस प्रोजेक्ट फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ पर्सन विथ डिजेबिलिटी। देन असिस्टेंस टू डिजेबल पर्सन ऑफ परचेज ऑफ फिटिंग ऑफ एड्स एंड अप्लायंस। द स्कीम एम्स एट हेल्पिंग द डिजेबल पर्सन बाय ब्रिंगिंग सुइटेबल, ड्यूरेबल, साइंटिफिकली मैन्युफैक्चर, मॉडर्न स्टैंडर्ड एड एंड एप्लीकेशन विद इन देयर रीच। तापरे नेशनल फेलोशिप फॉर स्टूडेंट्स विथ डिजेबिलिटी इनक्रीज अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट विथ आर जी एम पी दैट इज डिजेबिलिटी फॉर परसुइंग हायर एजुकेशन
अंडर द स्कीम 200 फेलोशिप पर ईयर आर ग्रांटेड टू स्टूडेंट विथ डिसेबिलिटी। ओके तो एथरे तो भल से मेंशन भी करछि से यार क्वेश्चन को आंसर ठीक ठाक देछि। तो जो जेहेतु एटा 5 नंबर क्वेश्चन ये 4 प्लस मार्क 5। ओके तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रीफली डिस्कस अबाउट राइट ऑफ एलजीबीटी एज पर एक्जिस्टिंग लॉ। तो एलजीबीटी को नहीं कि से फास्ट किसी डाटा देती एक्रॉस द ग्लोब एलजीबीटी लेस्बियन फुल फॉर्म निहाती है तुमको मेंशन करने पड़ो। एलजीबीटी रो फुल फॉर्म कौन लेस्बियन गे बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर दोज कंटिन्यू टू फेस एंडेमिक वायलेंस लीगल डिस्क्रिमिनेशन एंड अदर ह्यूमन राइट वायोलेसन ऑन अकाउंट ऑफ देयर सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड जेंडर आइडेंटिटी। सो व्हाट आर द राइट्स ऑफ एलजीबीटी एज पर एक्जिस्टिंग लॉ। फर्स्ट राइट है कंसेंसुअल सेक्सुअल ओरिएंटेशन रिलेशनशिप बिटवीन सेम सेक्स आर प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 14 19 एंड 21 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तुम्हें डायरेक्टली लिखो सेकेंड पॉइंट न लिखिकी हाँ ठीक अच्छे ए पॉइंट वाइज लिखी जेहतु हेडिंग ठीक अच्छे। तो इन 2018 सुप्रीम कोर्ट कौन कर गोटे रूल रूल आउट कर कंसेंसुअल होमोसेक्सुअल आक्ट वुड नो लॉन्गर कॉन्स्टिट्यूट ए क्राइम। आगुरु जो रिलेशनशिप रोला सेम सेक्स को लेकिन से क्राइम हिसाब से निजाला तेणु से जो 2018 जजमेंट थ्रो में डिक्रिमिनलाइज कर दिगला। सो इट रिवर द सेक्शन 377 अफ द इंडियन पेनाल कोड। ओके पार्लियामेंट हाज पास्ड ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन अफ द रईट आक्ट 2019 हुई एलाउड ट्रांसजेंडर आज थर्ड जेंडर स्टैट्यूट एंड रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। देन सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड योग्य कर्ता प्रिंसिपल एज पार्ट ऑफ द ह्यूमन राइट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ इन रिलेशन टू इश्यूज ऑफ जेंडर आइडेंटिटी। देन 2019 रे मद्रास हाईकोर्ट कहले जे द फॉर्म ऑफ ब्राइड अंडर हिंदू मैरिज एक्ट इंक्लूड ट्रांस वुमेन। इन 2015 राज्यसभा अनअनिमसली पास्ड द राइट ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन बिल 2014 व्हिच गारंटी द लीगल एड पेंशन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस एंड स्किल डेवलपमेंट। तो यार आंसर ही बढ़िया अच्छे। तो राइट्स ऑफ एलजीबीटी फॉर एक्जिस्टिंग लॉ तो ताकू बहुत बढ़िया से मेंशन कर ची। ओके तो एथरे भी फॉर मार्क पाइबो से। देन ब्रीफली डिस्कस अबाउट ड्रग अब्यूज। तो 5 नंबर क्वेश्चन पड़ी से ड्रग अब्यूज विषय डिस्कस करने कही। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ड्रग अब्यूज को कौन बोल डिफाइन कर आज द हार्मफुल और हजार्डस यूज ऑफ फिजियो एक्टिव सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग अल्कोहल एंड इलिसिट ड्रग। सो एडिक्शन इज एन एडवांसमेंट स्टेज ऑफ सब्सटेंस अब्यूज वेयर द एडिक्ट डेवलप ए कंपल्शन टू टेक द ड्रग एंड परसिस्ट इन इट्स डिपोजिट हार्मफुल कन्सिक्वेन्स। देन कजेस ऑफ ड्रग अब्यूज। ओके सो फास्ट लिखाई पीयर प्रेसर स्ट्रेस बुस्टर ब्रेकअप इन रिलेशनशिप आउ सफरिंग एंड डिप्रेशन डिप्राइवेशन। ओके देन फैमिली हिस्ट्री ऑफ एडिक्शन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर ग्लोरीफिकेशन ऑफ ड्रग यूज इन पॉपुलर मीडिया। एबे जो आमे कहूचे आमे जो एबे सपोज आमर जो आर्यन खान शाहरुख खान रो पुओ ताकु नहीं कि एबे चली छि ताकु भी तमे इंक्लूड करि परिबो किछि पार्ट जस्ट ऐड करि परिबो जदि सेइ वाला टाइप रो क्वेश्चंस आसीबो बट ताकु ता ना नहीं कि ऐड करिया दरकार नहीं बट एटा को जो लिखिया छि ग्लोरीफिकेशन ऑफ ड्रग यूज इन पॉपुलर मीडिया। ओके तो ताकु नहीं कि तमे हेल्प तार हेल्प नहीं कि तमे हाइलाइट कर पारिबो। देन व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग अब्यूज फिजिकल फिजियोलॉजिकल मोरल एंड इंटेलेक्चुअल डिके वेस्टेज ऑफ इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ यंग जनरल यंग तापरे जनरलाइजेशन एंड एटा कोन लिखा हिची गोटे देन होमलेसनेस पॉवर्टी देन इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ टीयरिंग असल्ट एक्सीडेंट एंड इम्पल्सिव मर्डर देन डोमेस्टिक वायलेंस रिस्क फॉर प्रेग्नेंट वोमेन एंड बेबीज देन हेल्थ डिफेक्ट्स जमी शॉर्ट टर्म में जब देखा चेंज इन हार्ट रेट ब्लड प्रेशर एपेटाइट देन लॉन्ग टर्म में हार्ट अटैक कैंसर एड्स हेपेटाइटिस ट्यूबरक्लोसिस दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग। ओके एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग
देन व्हाट इज ड्रग एडिक्शन, डिस्कस अबाउट कॉन्सिक्वेंस ऑफ ड्रग अब्यूज. सो ड्रग एडिक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड सब्सटेंसेस यूज ऑफ डिसऑर्डर, इज अ डिजीज दैट अफेक्ट ए पर्सन्स ब्रेन एंड बिहेवियर एंड लीड टू अन इनएबिलिटी टू कंट्रोल द यूज ऑफ ए लीगल और इलीगल ड्रग और मेडिकेशन सब्सटेंसेस सच एज अल्कोहल, मरिजुआना एंड निकोटिन एल्सो आर कंसिडर्ड एज ड्रग. सो व्हाट आर द कंसिक्वेंस इम्पैक्ट ऑन द नेशनल इकोनॉमी, इंटरनल सिक्योरिटी, ऑन हेल्थ, ऑन सोसाइटी? तो ये कौन सोसाइटी पर आडवर्सली इम्पैक्ट हो कौन हो तुम मेनसन कर खाली जस्ट खाली लिखी दीच ओके यू जस्ट हाइलाइट कर रिप्रेजेंट कर कौन हो नेशनल इकोनॉमी केमी आम इम्पैक्ट हो तो ये लिखाही एक्सप्लेन कर ठीक अच्छे इधर एक्सप्लेन कर रैम्पेंट ड्रग यूज अमंग द पीपल स्पेशली यूथ अफेक्ट रिलेशनशिप विथ फैमिली फ्रेंड्स इमोशनल एंड सोशल प्रॉब्लम इट हैज ऑल्सो बीन लिंक्ड विथ राइज इन डोमेस्टिक अब्यूज मर्डर एटसेट्रा ऑन द नेशनल इकोनॉमी इट रिजल्ट इन द वेस्टेज ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइडेड दैट इंडिया हैज ए ड्रग यूज हार्नेस इंडिविजुअल मेंटल फिजिकल एंड emotional capabilities hence negatively affecting the Indian economy. On health side it often result in the unintentional injury, accidents, incident, medical problem and death. Internal security, terrorist and other extremist organizations often sell drugs to garner money for their terrorist activities hence harming India's national security and sovereignty. So as per National Crime Record Bureau suicide data on 2019 7719 आउट ऑफ टोटल 7860 सुसाइड विक्टिम ड्यू टू ड्रग अब्यूज वेयर मेल. ओके सो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्टेप नैक्रो कोऑर्डिनेशन सेंटर ई पोर्टल सिम नैक्रोटिक ड्रग एंड साइको सब्सटेंस एक्ट 1985 इंटीग्रेटेड रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर एडिक्ट्स तापरे वे फॉरवर्ड आमर लिखाई दिस वुड इनक्लूड जो आमर ड्रग जो आम ड्रग को लेकिन गोटे करिकुलम आड करा दरकार आम जो ड्रग आडिक्शन को लेकिन बुक मानक एनश्योर क्वालिटी केयर टू ड्रग आडिक्ट एंड रि इंटीग्रेसन इन द सोसाइटी देन सल्यूशन सैंड टू बी सिस्टमेटिक एंड मल्टीप्रोलम्ड दस रेड्यूसींग द स्टिग्मा अटैच टू ड्रग प्रॉब्लम इज बीइंग एम्पैथेटिक टुवर्ड्स विक्टिम अफ ड्रग आडिक्ट एंड शुड नॉट ट्रीट देम एज ए क्रिमिनल. Recently, India has given 26 bilateral pact and 15 memoranda with different country for combating illicit drug trafficking on drug and narcotics. So very good. इतने 7 plus mark easily पाएगो. तापरे what has the drug abuse impacted youth population India? तो इतने तो मैं example दे पाएगो. So as per World Health Organization define drug abuse, they define करची. Then in order to find the prevalence of drug abuse in India, a study was conducted. ओके तो से स्टडी रे हमर जो जो कंडक्टर से रिपोर्ट रे कौन कही 14.6% ऑफ द पॉपुलेशन वाज अल्कोहल यूजेस अल्कोहल इट इज हायर अमंग मेन दैन अमेन इट वाज फाउंड दैट 2.8% ऑफ द पॉपुलेशन यूज कैनाबिस ऑफ द टोटल कजेस एस्टिमेटेड बाय द रिपोर्ट मोर दैन हाफ ऑफ देम आर कंट्रीब्यूटेड बाय स्टेट्स लाइक पंजाब आसाम दिल्ली हरियाणा एंड मणिपुर. Then drug menace in India. It has spread fast among the youth of India. India is standardized. India is sandwiched between two target optimism. So golden triangle gote achi Thailand, Myanmar, and Vietnam, Laos. Right side tome likhibo golden triangle ko. Left side re golden crescent likhibo. Kon paina India eta even map bi kari paribo tome. Pakistan, Afghanistan, Iran. Left side rakhidabo. So that evaluator ko easy hebo. Region. Peer pressure, increasing economic stress, narcotic pleasure, family history of addiction, ineffective policy. These are the reasons. Then impact of drug abuse on youth. Drug abuse lead to physical, psychological, moral and intellectual decay. This means wastage of economic potential of young generation. It causes immense human distress, incidence of ageism, group clashes, assault and impunitive murder. इट कैन लीड टू सोशल एंड इमोशनल प्रॉब्लम एंड इट कैन अफेक्ट रिलेशनशिप तो इतने मुझे रिपीट करूनी बोरींग तुम पढ़ला बेलू मुझे सब जिन जस्ट खाली पढ़ुची देखुची जस्ट खाली ओके तो तुम जस्ट या देख से ही जिन तुम निजे न लिखले या तो जापर तो इतने से जो इम्पैक्ट लिखी यूथ मानक जेको पॉइंट तुम्हें एड करके
ତାପରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସେ ଲେଖିଛି ଲିଗାଲି ଆଭେଲେବିଲିଟି ଅଫ୍ ଡ୍ରଗ୍, ସ୍ମଗଲିଂ ଅଫ୍ ଡ୍ରଗ୍, ତାପରେ ଲାକ୍ ଅଫ୍ ଆଭେଲେବିଲିଟି ଅଫ୍ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଲେଖିଛି। ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଇନିସିଏଟିଭ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଇଟ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟେଡ୍ ନାକ୍ରୋଟିକ୍ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଇନ୍ 2016 ଟୁ ରିଭାଇଭ୍ ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ଫିନାନ୍ସିଆଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫର୍ ନାକ୍ରୋଟିକ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅର୍ ନାକ୍ରୋଟିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଜ୍ ଆନାଉନ୍ସ ଦ ଲଞ୍ଚ ଅଫ୍ ଦ ନଶାମୁକ୍ତ ଭାରତ ହ୍ୱିଚ୍ ଫୋକସେସ୍ ଅନ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ଆଉଟରିଚ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଜ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟେଡ୍ ଏ ଫଣ୍ଡ କଲ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫଣ୍ଡ ଫର୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ରଗ୍ ଆବ୍ୟୁଜ୍, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସନ୍ରାଇଜ୍, କଣ୍ଡକ୍ଟିଂ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡ୍ରଗ୍ ଆବ୍ୟୁଜ୍ ସର୍ଭେ ଏଟ୍ସେଟ୍ରା। ତ ୱେ ଫରୱାର୍ଡ ସାର୍ଟେନ୍ କ୍ରପ୍ ଡ୍ରଗ୍ ସୁଡ୍ ବି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲଜ୍, ଏଜୁକେସନ୍ କରିକୁଲମ୍ ସୁଡ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ଚାପ୍ଟର୍ସ ଇନ୍ ଡ୍ରଗ୍ ଆଡିକ୍ସନ୍, ଷ୍ଟିଗ୍ମା ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଡ୍ରଗ୍ ଟ୍ରାଫିକିଂ ନିଡ୍ ଟୁ ବି ରେଡ୍ୟୁସ୍ଡ, ଡ୍ରଗ୍ ଆଡିକ୍ଟ ଆର୍ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଅଫ୍ ନଟ୍ ଭିକ୍ଟିମ୍ସ ନଟ୍ କ୍ରିମିନାଲ୍ସ। ସୋ ରିସେଣ୍ଟଲି ପିପୁଲ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ୟୁ ଭିଲେଜେସ୍ ଅଫ୍ ଯୋଧପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରାଜସ୍ଥାନ ହାଭ୍ କମ୍ ଟୁଗେଦର ଟୁ ଟ୍ୟାକଲ୍ ଡ୍ରଗ୍ ଆଡିକ୍ସନ୍ ଏମଙ୍ଗ୍ ଦ ୟୁଥ୍ ବାଇ ବୟକଟ୍ ଅଫ୍ ପର୍ସନ୍ କନଜ୍ୟୁମିଂ ଏଣ୍ଡ୍ ସେଲିଂ ଲିକ୍ୟୁର ଟୋବାକୋ ଏଣ୍ଡ୍ ନାକ୍ରୋଟିକ୍ ଏଣ୍ଡ୍ ଇମ୍ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ପେନାଲ୍ଟି। ଓକେ, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆନ୍ସର, ତ ଏଥିରେ ଇଜିଲି 7 to 7.5 ମାର୍କ ଇଜିଲି ପାଇପାରିବ। ଓକେ, ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପ୍ରାୟ ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ ତମେ ମାନେ କିଛି ଗେନ୍ ଗେନ୍ କରିଥିବ। ତ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଭଲନେରେବୁଲ, ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆର ଭଲନେରେବୁଲ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍କିମ୍ ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। କେବେ 2016ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଚେକ୍ କରିକି ତମମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଥିରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ କ'ଣ ପଚାରିଛି। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ପଚାରିଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇକି, ତ ସେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ନେଇକି ଲେଖିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ ସେଟା ଭୁଲ ଅଛି। ତ ହଁ, ଏଇଠି ଦେଖ ଏକ୍ସାମିନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଫର୍ଟସ୍ ଟୁ ରିହାବିଲିଟେସନ୍, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ଭଲନେରେବୁଲ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଇଫର୍ଟ ତୁମକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେ ଯେଉଁ କାଟି ଦେଇଛି ତାକୁ ନ କରିକି ଓଡ଼ିଶାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଅଛି ତାକୁ 5 ମାର୍କ ମନେ ରଖିବ, ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବ। ଓକେ, ତ ତମେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଦେଖୁଛ ଆନ୍ସର୍, ବଟ୍ ତମେ କିଛି ରେସପଣ୍ଡ କରୁନ। ମୁଁ କାଲି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଥିଲି ତାକୁ କେହି ରେସପଣ୍ଡ କଲନି। ତ ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ଏଗେନ୍ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ତମେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସକୁ ଆମେ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଲେ, ତ ସେଥିରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଅଛି ଭଲନେରେବୁଲ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ସଜେସନ୍ ବି ତମେ ଏଥିରେ ଦେଇପାରିବ। ଓକେ, ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।